लंच से व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी बज चुके हैं 12 और मेरा लंच रेडी है, और ये लंच के लिए मैं बहुत हमेशा एक्साइटेड रहती हूँ। ये मेरी फेवरेट सब्ज़ी है, लौकी की सब्ज़ी, खिचड़ी मेरे लिए जन्नत है, और साथ में है अच्छा सा दही। तो इसी लंच के साथ शुरुआत कर रही हूँ मैं अपने व्लॉग की। जी मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज की नेल पेंट का कलर वापस से मैंने बदल लिया है, इट इज़ चॉकलेट ब्राउन, और लिपस्टिक जो है ये टॉप के कलर के डिज़ाइन से मैच करती हुई मैंने रखी है। थोड़ा सा एथनिक और वेस्टर्न लुक का कॉम्बिनेशन है ये। जीन्स मैंने पहनी है और मेरी फेवरेट फुटवेयर, साथ में मैचिंग नेल पेंट, और हमेशा ऑफ कोर्स और अच्छे से स्टाइल करने के लिए मेरी वॉच तो है ही। साथ में मैंने रिंग्स पहनी है, हाथ में एक छोटा सा ब्रेसलेट पहना है, एंड माय लुक इज़ कंप्लीट। क्योंकि पूरे दिन आज थोड़ा ज़्यादा बाहर ट्रैवल करने का है, तो मैं चाह रही हूँ कि चीज़ें जो हैं एकदम सिंपल रहे, अच्छी रहे, लेकिन स्टाइलिश रहे। मुझे मेरे कर्ल्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने अपनी जो क्लिप है वो बांध ली, और मेरे कर्ल्स एज यूजुअल पूरे लुक के साथ अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो बेसिकली इट्स अ गुड हेयर डे। वैसे आज पूरे टाइम जब मैं रेडी हो रही थी, मैंने शूट भी किया है और इंस्टाग्राम पे एक स्पेशल रील डाली है, विच इज़ गेट रेडी विथ मी रील, जिसमें आप अच्छे से मेरा पूरा लुक जो है वो देख सकते हैं। ज़रूर जाके चेकआउट करिए पूरी की पूरी रील। RJ_Kritika है मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल। इसी रील को ऑडियो के साथ देखेंगे, ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। और जी अब मैं निकल चुकी हूँ फाइनली लिसनर्स के घर जाने के लिए। सबसे पहली जो मेरी डेस्टिनेशन है, दैट इज़ गोइंग टू बी नवी मुंबई। और भरी दोपहर में मैं निकली हूँ ना, तो इतनी तेज़ नींद आ रही है मुझे कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसलिए मैंने ना गॉगल्स पहन लिए हैं ताकि पीछे बैठ के मैं थोड़ा सा नैप ले सकूँ। वैसे रास्ते में नवी मुंबई जब आप पहुँचते हैं, इतना सुंदर आर्टवर्क है जो सारी रोड्स के साइड में किया हुआ है वॉल्स पे, आप खुद देखिए। और ये हर जगह है, ये थोड़ी से हिस्सा है जो मैंने कवर किया है ताकि आप समझ पाएँ कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है और पूरा कलरफुल किया हुआ है। ये देखिए, तो मैं अपने सबसे पहले लोकेशन पे आ चुकी हूँ, और पीछे बहुत सारे बच्चों ने छोटे छोटे गणेश जी जो है वो भी बनाए, आपको सब मिलवाती हूँ। सो हम लोगों का कॉन्सेप्ट यही है कि हम लोग ग्रीन गणेशा को प्रमोट करते हैं, और सारे बच्चों ने बहुत प्यारे तरीके से क्ले से गणेश जी बनाए। सो बिग FM की टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर, और इन्होंने अपने बिग ग्रीन गणेशा, इको फ्रेंडली गणेशा जो है उनकी स्थापना यहाँ पर करी हुई है। सारी चीज़ें आप हमारे ऑफिशियल हैंडल पर भी देख सकते हैं। बहुत ही प्यारे हैं हमारे बप्पा, एंड एज यू कैन सी उनका चेहरा ही एकदम स्माइलिंग फेस है। इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम जब आपने बप्पा की स्थापना करी है या पहले आपने करी है? हमेशा करते हैं, इको फ्रेंडली हमको फर्स्ट टाइम मिले। अच्छा, सो दिस इज द फर्स्ट ट्राइंग। बच्चों से हम लोगों ने ट्राई भी किया था, हाँ, बट वो ठीक से बन नहीं पाया। फॉर्चूनेटली वी वर लकी, यानी बप्पा आना चाह ही रहे थे आपके पास। हाउ स्वीट, ओ सुपर्ब। आप लोग कितने एक्साइटेड हो? वेरी एक्साइटेड टू गेट बप्पा एट होम। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। और ये फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे ने खुद घर पे बनाया है, क्योंकि बप्पा से उसको प्यार बहुत ज्यादा है। हाउ लवली डज इट लुक। सो प्लेस वन से विजिट करके हम लोग अब जा रहे हैं प्लेस टू पे, और हम लोग थे नवी मुंबई में, और लिटरली अब हम लोग अंधेरी के साइड जा रहे हैं जो यहाँ से 1.5 घंटा दूर है, लेकिन बप्पा ने बुलाया है तो जाना बनता है। चेहरे पे स्माइल भी है, और अभी जिस जगह पे हमने विजिट किया इतने प्यारे लग रहे थे उनके गणेश जी, उनके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट थी। लेकिन मुझे वो टाइम नहीं अच्छा लगता जब गणेश जी का विसर्जन होता है, और उन लोगों के वहाँ पे विसर्जन होने वाला था, तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी सैड कर रही थी। बट एनीवे, अभी बाकी सारी जगह तो 10 days 9 days है गणपति बप्पा, तो अब दूसरी जगह पे हम लोग जा रहे हैं। शुरू में मुझे फर्स्ट हाफ में इतनी तेज़ नींद आ रही थी कार में, अगर आपने मेरी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखी है मैंने उसमें पोस्ट किया था, पर जब एक बार लोकेशन पे पहुंचे फिर सारी नींद ऐसे उड़ गई। सो अब मैं जा रही हूँ सांता क्रूज के साइड, और ये जो आप भीड़ देख रहे हैं ये जुहू बीच की भीड़ है, और यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा मिलता है। सो मैं जिस जगह पर आई हूँ सेकेंड विजिट पे, आप देख सकते हैं इन्होंने सारा जो डेकोरेशन है इको फ्रेंडली तरह से किया हुआ है, और बहुत प्यारे बप्पा हैं।
थोड़ी ही देर में इनका विसर्जन होगा और सारी चीज़ें इन्होंने अच्छे से जो सेटअप करी है वो इको फ्रेंडली वे में। मेरे साथ है अभी दीपिका जो ऑलरेडी डिजिटल पूरा हैंडल करती हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने अभी ऑन एयर के लिए बाइट भी दी है। सो टेल अस अबाउट योर गणपति। मुझे सिर्फ बताना है कि ये जो रिद्धि सिद्धि एंड गणपति बनाए हुए हैं ये सुपारी यूज करके बनाए हुए हैं। यहाँ पे 3 सुपारी का उपयोग हुआ है एंड गणेश जी के सूंड पे हमने इसे रखा है एंड ये रिद्धि सिद्धि बनाई हुई है। इट इज़ एन इको फ्रेंडली वे ऑफ डेकोरेशन और ये भी मट्टी के हैं। लवली। और आज का मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, थोड़ा हेक्टिक हो गया लेकिन डे वॉज गुड। और अब मैं जा रही हूँ घर की ओर और ये सनसेट देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आई होप आज का व्लॉग देख के आपको बड़ा मज़ा आया है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट शेयर करिएगा। वैसे मैं इसे देखते देखते अब आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।